हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है अमीर गरीब बहनों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की कहानी। नंदनी और राधा दोनों बहनें थी, लेकिन शादी दोनों की काफी अलग होती है। जहाँ नंदनी अमीर और वहीं राधा गरीब घर की बहू बनती है। हाय राधा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस खाना बना रही हूँ, आप सुनाओ। मैं तो बस कमरे में बैठे बैठे कॉफी पी रही थी, सर्दी बहुत है ना? कैसी बात कर रही हो दीदी, शहर तो एक ही है ना हमारा, गर्मी के मारे तो मेरे पसीने छूटे जा रहे हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरे कमरे में एसी चल रहा है ना, तो ठंडा तो होगा ही ना, और काम वाली खाना बना रही है, बस खाने के वक्त कमरे से बाहर निकलूंगी। ओ अच्छा दीदी, तो यहाँ आ जाओ मेरे घर पर। हाँ जरूर आऊंगी। ठीक है दीदी, अब आराम से बात करते हैं, ओके। इसके बाद राधा फोन रख देती है, उसके सामने उसकी सास खड़ी होती है। ये ले खरबूजा खा ले, मैंने काटा है, सबको बांट दिया है, ये तेरे हिस्से का है। अरे मम्मी मैं काट देती, आप क्यों परेशान हुई, बस रोटी बनाकर खाती हूँ। सास राधा का हाथ पकड़कर उसे पंखे के पास ले जाती है, जहाँ पहले से ही उसके नंद और देवर बैठे होते हैं। भाभी आओ लूडो खेलते हैं, ये तो हार रही है, आप आ जाओ। अरे मैं तो रोटी बना रही थी, मम्मी ले आई मुझे खरबूजा खाने के लिए, आप लोग लूडो खिला रहे हो मुझे, खाना बनाना है। कोई बात नहीं भाभी, रोटी मैं बना लेती हूँ। राधा का हंसता खेलता परिवार था, जहाँ सभी एक दूसरे की मदद किया करते थे। रोज सुबह शाम पूरा परिवार एक साथ ही बैठता था। अरे राधा चलो तैयार हो जाओ, पानी पूरी और गोला खाकर आते हैं, जुहू चौपाटी चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज। राधा जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। इतने में नंदनी का फोन राधा के पास आता है। हेलो क्या कर रही हो राधा? अरे दीदी मैं घर पहुंचकर फोन करती हूँ, इनके साथ जुहू चौपाटी घूमने आई थी, आप बताइए क्या कर रही हैं? मैं तो कमरे में बैठी हूँ टीवी देख रही हूँ। अरे दीदी आ जाओ ना जुहू चौपाटी, बहुत अच्छा और सुहाना मौसम है, इधर ठंडी हवा लग रही थी, बहुत मजा आया। अरे नहीं नहीं बहुत गर्मी है तुम लोगों के घर, तुम आ जाओ ना मेरे घर। बस आती हूँ दीदी, माँ से पूछ कर आती हूँ। उसके बाद राधा फोन रख देती है। तुम्हें लगता होगा ना कि काश तुम भी नंदनी दीदी की तरह पैसे वाले घर में शादी करती। तो मैं कौन सा गरीब घर से हूँ, खा रही हूँ पी रही हूँ अच्छा पहन रही हूँ और घूम भी रही हूँ और क्या। खैर गोला पैक करवा लो घर में सबके लिए। अगले दिन नंदनी के घर पर। चलिए ना शाम को राधा के घर चलते हैं, बहुत दिनों से बुला रही है बेचारी। अरे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, रात को मेरी एक पार्टी है बिजनेस के लिए, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। नहीं अच्छा नहीं लगता, शादी के बाद बिना पति के कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। ये कैसी मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो, माँ को देखो कितनी सोशल लाइफ एंजॉय करती है वो, मैं नहीं जा सकता। अच्छा शाम को कहीं बाहर चलें, आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है। यार अभी तो बताया मैंने तुमको पार्टी है, वो भी ताज होटल में, तुमको चलना है तो बताओ मुझे। नहीं आज तो मन नहीं है, चलिए ठीक है। फिर उसका पति ऑफिस चला जाता है। नंदनी सारा दिन घर पर या तो टीवी देखती या फिर मोबाइल चलाती। नंदनी सोचती है कि घर वालों के साथ जाकर थोड़ा समय बिताए। हाँ बेटा कोई काम था, मेरे कमरे में कैसे आज? कुछ नहीं माँ, बस मन नहीं लग रहा था तो आ गई। तो कैरम खेलोगी? हम लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वही फ्रेंड कर देती हूँ तुमको। नंदनी समझ जाती है सास उसको जाने को बोल रही है, इसीलिए नंदनी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर वो मोबाइल पे कैरम खेलती है और फिर कुछ सोच कर खड़ी हो जाती है। नंदनी घर से बाहर आती है और ड्राइवर को राधा के घर जाने के लिए कहती है। मुझे मेरी बहन के घर ले चलिए। जी मैडम जी।
और रास्ते में कोई मिठाई की दुकान मिले तो रोक लेना। नंदिनी मिठाई की दुकान में जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई खरीदती है। वो अपनी बहन के घर जाती है जहाँ सारा परिवार एक साथ बैठा होता है। अरे नंदिनी बेटा, आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? नमस्ते आंटी जी, राधा कहाँ पर है? राधा अभी तो यहीं थी, पता नहीं, देखना विराट भाभी कहाँ पर है। माँ, भाभी शायद आपने जो कपड़े दिए थे वो रखने अपने कमरे में गई हुई हैं। अब मैं बुला कर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कमरे में ही चली जाती हूँ। नंदिनी राधा के कमरे में जाती है, तभी अरे दीदी कैसे आना हुआ? आओ आओ, चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। नहीं नहीं, क्यों सबको परेशान करना, कमरे में ही बैठते हैं ना। कैसी बातें कर रही हो दीदी, आप आई हो तो सब आपसे मिलना चाहते हैं, चलो ना। नंदिनी और राधा सबके पास जाते हैं, जहां राधा की सास चाय और नाश्ता बनाकर लेकर आती है। अरे आंटी जी, आप क्यों बना रही हैं? वो इसलिए कि अब हम सब साथ बैठ सकें। माँ बाप भी बैठ जाइए। राधा के घर का माहौल नंदिनी को कुछ अलग सा ही लगता है। कितना वक्त हो गया है, इस तरह का खाना नहीं खाया था। कितना स्वाद है इस खाने में। इस तरह का खाना तो हम लोगों के घर में रोज ही बनता है। अच्छा खाने में क्या खाओगी दीदी? अरे इसे खाने में वो खिलाओ ना जो गांव वाली बुआ सिखा कर गई है। हाँ मैं अभी बनाती हूँ। राधा के नंद और देवर भी नंदिनी के साथ बात करने में लग जाते हैं। दोपहर होते ही सारा घर जमीन पर चटाई बिछा कर खाना खाता है, अंताक्षरी खेलता है और खूब गप्पे लगाता है। नंदिनी जब वापस घर को जा रही होती है तो राधा की सास उसे पैसे देते हुए कहती है, बेटा पहली बार बहन के घर आई हो, वैसे तो हम लोग तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हूँ, ये छोटी सी भेंट रख लो। पता होता कि तुम आने वाली हो तो कोई साड़ी खरीद कर रख लेती तुम्हारे लिए। और आंखों में आंसू भर कर बोलती है, मैं तो सिर्फ पैसों से अमीर हूँ, लेकिन राधा तो रिश्तों से अमीर है। जीवन में सच्ची हंसी और खुशी अपनों के साथ है, ना कि पैसों से। उसके बाद नंदिनी वहाँ से चली जाती है और राधा अपनी सास को देख कर मुस्कुराने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? सी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।